नमस्कार दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो अक्सर HDFC बैंक कस्टमर को पेश करनी पड़ती हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि वो क्या प्रॉब्लम है और दोस्तों उसे कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो ज़्यादातर हम उसका यूज़ दोस्तों ऑनलाइन ही करते हैं। जो भी बैंक होती है हम उसका यूज ऑनलाइन ही करते हैं। बैंकों में दोस्तों आजकल कोई नहीं आता, ज़्यादातर लोग बैंक ऑनलाइन ही अपने ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक की एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, जिसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है अक्सर काफ़ी लोगों को। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल में HDFC बैंक की एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो दोस्तों हम उससे अपना वर्क करते हैं, बट दोस्तों बाई चांस कभी हमें अपने मोबाइल सिम निकालनी पड़ती है, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो दोस्तों वर्क नहीं करती, क्योंकि दोस्तों हमारी सिम निकल जाने के बाद उसका जो डाटा है वो दोस्तों करप्ट हो जाता है। तो कैसे दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को फिर से वर्किंग मोड में ला सकते हो, उसके दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बैंक जाना पड़ता है, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है उस एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उस एप्लीकेशन को फिर से वर्किंग मोड में ला सकते हो, अपने मोबाइल से ही उसे सेट कर सकते हो घर बैठे ही। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे आपको समझ में आ सके। पर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यह है मेरे मोबाइल में HDFC बैंक की एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आता है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरा पासवर्ड लगा हुआ है फिंगरप्रिंट वाला, जैसे मैं इसे ओपन करूँगा ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के से कुछ जो ऑप्शन आते हैं जो हमसे मांगता है, जो एग्जिटिंग पिन, यू पिन, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें सिम निकाल ली थी इस फ़ोन में से और फिर से मैंने इसमें डाली थी, कुछ इस फ़ोन में कुछ कमी आ गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें सिम निकाली तो फिर से मैंने इसमें लगाई। तो दोस्तों इसमें जितने भी जो इसके पासवर्ड वगैरह आते हैं वो सब रिसेट हो चुके हैं। दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पिन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आपको एक एक करके सारे स्टेप को फॉलो करना है, उसने पूरा करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। दोस्तों आपकी जो कस्टमर आईडी है वो आपको पता होनी चाहिए, तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी कस्टमर आईडी डालता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे डालना है अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर दोगे तो आपने नंबर डाला उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको दूसरे स्टेप में डालना होता है। तो चलिए पहले मैं इन दोनों को डालता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल दिया था और अपनी आईडी डाल दी थी, और दोस्तों मेरे मोबाइल पर कस्टमर आईडी डाल दी थी, और दोस्तों मेरे मोबाइल पर OTP भी आ चुका है। तो OTP दोस्तों ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो चुका है, क्योंकि जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो इसी फ़ोन में डाला हुआ है इस वजह से। तो चलिए मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। जब आप इसे कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों स्टेप 3, इसमें दोस्तों आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर जो होता है वो डालना है। तो दोस्तों मेरा पहले से सेव है क्योंकि मैंने पहले डिटेल बना दी थी, बट दोस्तों आपको इसका आगे का और सिस्टम डालना है, जैसे ATM पिन का है आपकी, एक्सपायरी डेट का है आपकी डेबिट कार्ड की, और एक्सपायरी ईयर का है। चलिए मैं सब डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे जो ऑप्शन में सारे फिल कर दिया, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा चौथा स्टेप ओपन हो चुका है, जिसमें दोस्तों हमें एक 4 नंबर का एक पिन डालना है नया पिन। उसके बाद दोस्तों फिर से हमें वही पिन इसमें डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक पिन बनाता हूँ 4 नंबर का, दोनों में आपको एक साथ रखना है, ध्यान रखना, और आपको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों मैंने पिन बना दिया है, पिन डाल दिया 4 नंबर का दोनों में सेम। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है इनेबल फिंगरप्रिंट, अगर आप इसे अपनी फिंगरप्रिंट से इसे इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो रजिस्टर करने के बाद, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मेरा फिंगरप्रिंट से दोस्तों मेरा ये पहले बना हुआ था, तो मैंने इनेबल कर दिया और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा जो मैंने अभी आईडी बनाई थी वो यहाँ पर दोस्तों
सक्सेस हो चुकी है और मुझे इसे लॉगिन करना है। दोस्तों देखिए, अब मैं इसे यहाँ से फिंगरप्रिंट से ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया था अभी कुछ देर पहले। तो दोस्तों देखिए, मेरा अकाउंट जो है ओपन हो चुका है, मेरा जो एप्लीकेशन है ठीक से वर्क करने लगी है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। और इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या लगना है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी HDFC बैंक की एप्लीकेशन को फिर से ऑन कर सकते हो अपने मोबाइल से ही घर बैठे। और दोस्तों आपको जब भी दिक्कत हो आप इसी तरीके से इसे ऑन कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन को ऑन करने में दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।